हेलो, मेरा नाम है आसिफ। आज मैं आपको दो ब्रेड में से एंड दूध में से इतना हेल्दी नाश्ता बताऊंगी जो बहुत कम ऑयल में बनेगा एंड हेल्दी एंड टेस्टी भी है। तो पूरा वीडियो देखना एंड कमेंट में भी जरूर बताना। सबसे पहले ये पेन रखती हूँ और इसमें ये आप देख सकते हो मेरा हाफ कप भी नहीं है, 1/3 कप दूध है वो डालती हूँ और जस्ट ये 2 स्लाइस ब्रेड के डालती हूँ। इसको टुकड़े करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अपने आप ये दूध में जाएगी ना तो अपने आप सॉफ्ट हो जाएगी, तो 5 मिनट इसको लगेगी। आप देख सकते हो बेचारी ब्रेड भूखी थी तो उसने सब दूध पी लिया और एकदम सॉफ्ट हो गई। इसके लिए मैं आपको बोली कि टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ब्रेड के टुकड़े भी हो, कभी कभी बच जाते हैं, तो वो भी चल सकते हैं, बट ऐसा बोले कि जरूरी नहीं। तो बस ऐसा हो गया, इसको डायरेक्ट बाउल में निकालती हूँ, इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। तो वेरी इजी सिंपल नाश्ता है, जरूर आप ट्राई करना और बहुत हेल्थी भी है, कम ऑयल में भी बनेगा। तो इसको थोड़ा मैं रूम टेम्परेचर पर थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। आप देख सकते हो एकदम अच्छे से मैश हो गया है, तो इसको मैं ऐसे ही जरा ठंडा होने दे। ये जो हमारे ब्रेड का है वो एकदम ठंडा हो गया है। ठंडे के बाद इसमें आगे की प्रोसेस करना, पहले से प्रोसेस मत करना। तो ये एक कटोरी सूजी है, मीन्स रवा है बारीक, और इसमें हाफ कप दही डालती हूँ। बहुत टेस्टी ये नाश्ता लगेगा एंड हेल्दी भी है। अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड है तो वो भी चल सकती है, मेरे पास व्हाइट ब्रेड बची हुई थी सो मैं व्हाइट ब्रेड डालती हूँ। और ये टमाटर, प्याज एंड हरी मिर्ची, आप इसमें कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न एंड फिर क्या बोलते हैं कोतमीर, मेरे पास कोतमीर आज नहीं है सो मैं नहीं डालती। अरे कैसे डालूंगी, ये खत्म हो गई है ना, इसके लिए फिर सबको अभी इसमें पानी ऐड मत करना, पहले जितना लगता है वो उतना हम डालेंगे। इसमें थोड़ा नमक डालती हूँ और इसमें आप सांभर मसाला, गरम मसाला या पाव भाजी मसाला कौन सा भी डाल सकते हो। मैं थोड़ा अलग टेस्ट के लिए आज पाव भाजी मसाला ऐड करती हूँ, तो एक छोटी चम्मच जितना पाव भाजी मसाला। बस ये सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ एंड फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी इसमें पानी डालती हूँ। पानी हाफ मतलब 1/4 कप जितना लिया है, बट उतना लगता है तो मैं डालती हूँ, इतना मुझे आई थिंक नहीं लगता कि लगेगा। तो इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना एंड वेरी हेल्दी एंड सिंपल नाश्ता है। आप इसमें आपके मनपसंद की कौन सी भी सब्जी डाल सकते हो एंड यूनिक है एंड डिफरेंस है एंड सुबह के नाश्ते के लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो मुझे कमेंट में भी बताना। इसको ज्यादा समय नहीं रखती, जस्ट 5 मिनट अच्छे से रखती हूँ ताकि सूजी हमारी है बिचारी सूजी भी अच्छे से फूल जाए बिचारी पानी पी के। तो 5 मिनट इसको मैं रखती हूँ। आप देख सकते हो 5 से 10 मिनट हो गई है, इसमें इतना मैं खाने का सोडा ऐड करती हूँ, ज्यादा नहीं चाहिए, जस्ट चपटी चाहिए और जरा एक बूंद जितना पानी। वेरी इजी सिंपल है, हेल्दी नाश्ता है, आप इसमें कुछ भी आपके मनपसंद सब्जी डाल सकते हो, जो भी आपके अगर बच्चे नहीं खाते तो इसमें डाल के खिला भी सकते हो एंड हेल्दी भी है। तो आई होप सो यू लाइक दिस माई वीडियो। देख सकते हो बहुत मस्त बैटर हो गया है। इधर मैंने नॉन स्टिक का पैन लिया है, आप देख सकते हो इसमें मैंने ऑयल डाला है, 1 चम्मच ऑयल डाला है, बहुत काफी है, इजिली आप छोटी बड़ी साइज के आप बना सकते हो। और इसमें आज मैंने अलग थोड़ा ट्राई किया है, ये पाव भाजी का मसाला ऐड किया है। वैसे हम बहुत सांभर मसाला यूज करते हैं, तो आपको अगर सांभर मसाला यूज करना है तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो फिर गरम मसाला या पाव भाजी मसाला, बट पाव भाजी मसाले से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसके लिए ये साइज के मेरे 3 होंगे, इसमें देख सकते हो इसको अच्छे तरह पकने देते हैं फिर हम इसको टर्न करते हैं। एकदम बहुत सॉफ्ट बने, आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाले हैं और बहुत हेल्दी है। 1 चम्मच ऑयल में आपके इजीली 3-4 हो जाएंगे। नॉन स्टिक का पैन रहते तो इतना कुछ टेंशन की भी बात नहीं रहती। आप देख सकते हो वेरी सॉफ्ट एंड वेरी हेल्दी नाश्ता है। अगर आपके बच्चों को या आपको मन हो तो आप इसके ऊपर चीज भी डाल सकते हो,
हाँ, बट मैंने आज चीज नहीं डाला, तो इसको थोड़ा दूसरी तरफ पे पकने देती हूँ, फिर जस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरी तरफ पे अच्छे से पक गए हैं, आपको जस्ट दिखा देती हूँ। अभी वैसे मुझे दूसरे बनाने के तो कुछ अभी सर्व करके मैं आपको बताती नहीं, बट कोथमीर फुदीने की चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं, एकदम हेल्दी है एंड पूरा डिफरेंट है। ब्रेड का हमने अच्छे से यूज किया है, अगर आपको मन हो तो आप इसमें ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हो, और देख सकते हो लुक आपको दिखाने के लिए इसको पलटता है, देख सकते हो एकदम हेल्दी है। एक चम्मच ऑयल में 3-4 इजीली बन जाएंगे। आपका पैन कितना बड़ा है, छोटा है, आप कितनी बड़ी साइज का है, छोटी साइज के बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो आई होप सो यू लाइक दिस माई वीडियो, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना आसिफ फुंडेरा। ओके बाय, लव यू, थैंक यू।